इंदौर में मैं आज एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहा हूं जिनकी चाल, जिनकी गति 75 साल की उम्र होने के बावजूद भी युवाओं को पीछे छोड़ देती है, और जिनका व्यवसाय है वो भी देश के विकास में गति देने वाला उनका व्यवसाय उद्योग है। देश के विकास में ट्रेन का, रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका है, और रेलवे से जुड़े हुए सामानों के ये भारत के बड़े उद्योगपतियों में से एक है, और इनका नाम है श्री राजेंद्र कुमार जैन, जो चेयरमैन है रानेका इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। जैन साहब, आपका जैन रत्न में स्वागत। नमस्कार साहब। नमस्कार जैन साहब, आपका जन्म कहाँ हुआ, बचपन आपका क्या बीता? एक्चुअल में मेरा जन्म जो है राजस्थान का एक अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक छोटा टाउन है सरवार करके, वहाँ मेरा 1948 के अंदर मेरा जन्म हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो स्कूल में वहीं हुई, उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग अजमेर से की, और उसके बाद में मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया, जहाँ कई कंपनियों में मैंने अपनी सेवाएं दी, और फिर सोचा क्यों नहीं अपना भी कोई छोटा मोटा व्यवसाय किया जाए, तो हमने सोचा कि इंदौर में शिफ्ट हुआ जाए और यहाँ अपना व्यवसाय हम प्रारंभ करें। तो 89 में फिर मैंने यहाँ अपना छोटा सा व्यवसाय मैंने प्रारंभ किया। क्या था वो व्यवसाय? ये वो व्यवसाय यही था कि रेलवेज के लिए हम जो स्टील के कंपोनेंट लगते हैं, जो फ्रेट में लगते हैं, जिस तरह से वेगन्स होते हैं, वेगन के अंदर जितने कंपोनेंट्स लगते हैं, कोचेज में जितने कंपोनेंट्स लगते हैं, लोकोमोटिव्स में जितने कंपोनेंट्स लगते हैं, वो कास्ट स्टील, क्योंकि रेलवेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेफ्टी फैक्टर, और उसके लिए के सारे कंपोनेंट्स बहुत ही हेवी ड्यूटी के बनाए जाते हैं ताकि पैसेंजर्स की पूरी सेफ्टी रहे, तो उसमें स्टील के ही सारे कंपोनेंट्स बनते हैं। तो वो सारे कंपोनेंट हमने छोटे कंपोनेंटों से स्टार्ट किया पहले बनाना यहाँ पे, तो कुछ ही कंपोनेंट्स थे कि हम 10 से 12 कंपोनेंट हम बना पाए, जो कि बहुत ही छोटे रूप में थे। तो प्रारंभ हमने वहीं से किया, और फिर उन कंपोनेंटों को हम बढ़ाते गए, और आज के दिन मैं कह सकता हूँ कि रेलवेज में जहाँ भी कास्ट स्टील कंपोनेंट लगता है, चाहे वो इंजन में लग रहा हो, कोचेज में लग रहा हो, वेगन्स में लग रहे हों, लोकोमोटिव में लग रहे हों, वो सारे ही चीज़ें हम बना रहे हैं। तो सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्ट रेंज मेरे ख्याल से हम हैंडल कर पा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट हमारा है वो कास्ट स्टील बोगीज होती है, जो कि चेसिस जिसको हम कह सकते हैं कि वेगन्स के नीचे जो अंडर फ्रेम होता है वो कास्ट स्टील कंप्लीट बोगीज असेंबल्ड करके, वो कई टाइप की बोगियाँ हैं जिसमें हाई स्पीड बोगियाँ हैं, लो स्पीड बोगियाँ हैं, मीटर गेज बोगियाँ हैं, ब्रॉड गेज बोगियाँ हैं, तो करीब 10 टाइप की बोगियाँ हैं जो कि हम इंडियन रेलवेज को सप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से जो ऑटोमेटिक कपलर्स होते हैं जो कि एक दूसरे वेगन को, कोचेज को जो जोड़ते हैं, वो भी करीब 15 टाइप के कपलर्स हैं जो कि हम लोग बना रहे हैं। तीसरा जो दिखता है कि कोचेज में साइड बफर्स होते हैं, वो भी 3-4 टाइप के डब बफर्स हैं, वो भी हम सब बना रहे हैं। फिर जो जहाँ के रेलवे आपस में क्रॉसिंग करती है ट्रैक के ऊपर, उसमें जिसको हम बोलते हैं कि कास्ट मैंगनीज स्टील क्रॉसिंग्स, CMS क्रॉसिंग्स, वो क्रॉसिंग्स भी हम डेवलप करें, हमने कर ली है। तो अब मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो इंडियन रेलवेज में या ओवरसीज रेलवे में कहीं भी अभी जो लगता है वो हम नहीं बना रहे हूँ, तो करीब करीब सब प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं। यानी ओवरसीज रेलवे, यानी विदेशों में भी जी आपका माल जा रहा है? जी, हमने काफी सप्लाई किया है, न्यूजीलैंड को हमने काफी सप्लाई किया, ईरान को हमने सप्लाई किया, चाइना को हमने सप्लाई किया, ये मेजर है जहां हमारी काफी हमने सप्लाई की है। आज मैं आपकी फैक्ट्री में गया, मैंने देखा कि आपका व्यक्तित्व एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है, मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ, और सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ मैं आपकी तेज गति से चलते हुई चाल को देखकर। आप जिस हिसाब से चल रहे थे, आज की तारीख में नवयुवक भी नहीं चल पाते हैं
ये ऊर्जा कहाँ से आपको प्राप्त होती है? क्योंकि मेरी हर रोज की एक इच्छा रहती है कि मैं आज क्या नया काम करूं, और उस नया काम करने के लिए मैं पिछली रात को एक अपना एक टारगेट बनाता हूं कि मेरी क्या क्या कल की प्रॉब्लम्स हैं, उनका मैं कैसे रिजोल्व करूंगा, और वो दिन रात भर मैं सोच के दूसरे दिन जब पहुंचता हूं तो सबसे पहले इच्छा होती है कि मैं रात का सोचा हुआ जो काम है वो मैं जाके उसको प्रैक्टिकली वहां इंप्लीमेंट कराऊं, और वो क्योंकि टारगेट है, रोज का काम मुझे रोज करना है, तो उतनी ऊर्जा को बनाए रखना पड़ेगा तभी मैं वो काम कर पाऊंगा। आपके द्वारा तो अनेक सामाजिक काम हुए हैं, धार्मिक काम हुए हैं, ऐसे कोई सामाजिक काम जिसको कर कर आपको अंदर से संतुष्टि मिली हो? जितनी धार्मिक क्रियाएं, मान लिया कि मंदिरों का निर्माण या पंच कल्याण या उस अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता हूं, वहां पर भी एज ए सामाजिक प्राणी हूं, समाज में बैठा हूं, तो वो भी एक अपनी जय है, लेकिन उससे मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं मिलती है जितनी मुझे समाज का या गैर समाज का कोई व्यक्ति अगर मिले और उसकी कुछ आवश्यकता है, कोई उसकी स्वास्थ्य की तकलीफ हो रही है, उसकी एजुकेशन की तकलीफ हो रही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है मैं उसकी मदद करूं ताकि वो भी अच्छा इंसान बने, समाज में अपनी और योगदान करे। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में वैसे तो मेरे चार भाई हैं, तीन बहनें हैं, और मेरे अपने निजी परिवार में मेरे तीन लड़के हैं, दो बहुएं हैं, चार पोते पोती हैं। राजेंद्र जी, आप जैसा सरल व्यक्ति तो जो इतना बड़ा उद्योगपति है पर जमीन पर है, आपको जैन रत्न के रूप में शामिल कर हमें बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत खुश हूं कि आपने मुझे इसके लायक समझा है, कि मैं मेरा काम आपको पसंद आया है, कि समाज के लिए कुछ हुआ है, लेकिन जो आपने मुझे बताया है कि आप किन किन क्षेत्रों में किन किन व्यक्तियों से आप मिल रहे हैं, आप उनके बारे में जो समाज को बता रहे हैं वो बहुत ही अनुकरणीय है, मैं इसके लिए आपको सबको साधुवाद देना चाहूंगा। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब।